हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी बनिस्पैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन बड़ी अपडेट के बारे में। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि आज की तारीख में बीएड और बीटीसी डीएलएड अभ्यर्थियों की तरफ से अपनी अपनी अलग अलग मांगों के लिए अलग अलग प्रदर्शन देखने के लिए मिले, जिसमें से प्रदर्शन अभी भी कुछ जारी हैं और कुछ के प्रदर्शन को लेकर अपडेट भी आ चुकी है। डिटेल में बात करें उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। आज की तारीख में बीएड बीटीसी अभ्यर्थियों के माध्यम से तीन अलग अलग जो चीज़ें वो आपके सामने देखने के लिए मिली। मैं आपको क्लियर कर दूं, पहले बीएड को लेकर यहाँ पर टीजीटी पीजीटी परीक्षा और टीजीटी पीजीटी के अंदर पदों की संख्या के बारे में। दूसरा, बीटीसी डीलेड की अगर बात की जाए तो बीटीसी डीलेड अभ्यर्थियों के माध्यम से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिलता है पत्थर गिरजाघर प्रयागराज में। तीसरे की अगर बात की जाए तो बीएड अभ्यर्थियों के कैंडल मार्च के बारे में, जहां पर बीएड वर्सेस बीटीसी में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ जाने के बाद से जो बीएड अभ्यर्थी निराश और हताश हैं उनके माध्यम से आज प्रयागराज में कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, जिसकी जानकारी आप सभी को होगी। अब अगर बात की जाए तीनों की अपडेट के बारे में कि देर शाम आते आते तीनों में क्या देखने के लिए मिला, तो पहले बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर, क्योंकि आज अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी परीक्षा और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग और पदों की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर बैठे हुए थे पत्थर गिरजाघर पर। अभ्यर्थियों की मांगे क्या थी उसके संबंध में जो ज्ञापन है वो आप सभी को देखने के लिए मिलता है, जैसा कि आप सभी इसके अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अपने ज्ञापन को उत्तर प्रदेश शासन को सौंपा गया, जहां पर टीजीटी पीजीटी के अंदर तमाम मांगों के संबंध में इस ज्ञापन में जानकारी शासन तक पहुंचाने का प्रयास किया, जिसमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक संबोधित ज्ञापन भी देखने के लिए मिले। टीजीटी पीजीटी को लेकर जो धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था वो युवा मंच की अगुवाई में आपको देखने के लिए मिलता है, जिसके संबंध में प्रेस विज्ञप्ति भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। मुद्दे की बात यह है कि टीजीटी पीजीटी 2022 में 25,000 से ज़्यादा जो टीजीटी पीजीटी के पद खाली हैं उन सभी पदों को भरने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कराए जाने को लेकर एलटी प्रवक्ता और प्राथमिक विद्यालय में तमाम जो पद खाली पड़े हुए हैं उन सभी पदों को जल्द से जल्द भरे जाने की मांग को लेकर यहाँ पर जो ज्ञापन है वो सौंपा गया। 20 व 18 को शामिल कर शिक्षा सेवा चयन आयोग का तत्काल गठन हो। नंबर 2, टीजीटी पीजीटी विज्ञापन 2022 में रिक्त 25,000 पदों को शामिल किया जाए और टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा तिथियों को तत्काल घोषित किया जाए। एलटी व प्रवक्ता जीआईसी के सभी रिक्त पदों को बिना देरी विज्ञापित किया जाए। प्रसिद्धि विद्यालयों में 2 साल में खत्म किए गए 1,39,000 पदों को बहाल किया जाए। पुलिस तकनीकी संवर्ग प्रसिद्धि विद्यालयों समेत अन्य विभागों में समस्त रिक्त पदों को विज्ञापित किया जाए। सभी लंबित भर्तियों को आचार संहिता लागू होने के पहले हर हाल में पूरा किया जाए। चयन प्रक्रिया को पारदर्शी व भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाए। एलटी पुलिस समेत अन्य भर्तियों में 3 वर्ष की आयु सीमा में उम्र सीमा में छूट दी जाए। न्यायालय में लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर जल्द से जल्द इन भर्तियों को पूरा किया जाए। आउटसोर्सिंग व संविदा व्यवस्था खत्म किया जाए। ये कुछ हमारे मुद्दे हैं और इसमें सबसे जो ज्वलंत मुद्दा है जिससे हमारे प्रभावित हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन वो पारित हो गया। 21 अगस्त को शिक्षा सेवा चयन आयोग का गजट नोटिफिकेशन हो गया। 40 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी लागू करने के लिए सूचना नहीं, तो ये इसको लेकर के भारी नाराजगी है। बावजूद इसके हम लोग शांतिपूर्ण उपवास आज कर रहे हैं और हमारा यहाँ और कोई कार्यक्रम इस ज्ञापन के बाद नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात कर लीजिए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसके संबंध में भी धरना प्रदर्शन आज की तारीख में देखने के लिए मिला। और आज बीटीसी डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ कर हिस्सा देखने के लिए मिला, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर इतनी बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर अभ्यर्थियों ने सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधा कि पिछले 5 सालों में सरकार अनाउंसमेंट तो करती है लेकिन भर्तियों के विज्ञापन जारी नहीं करती। Yeah,
इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर अब आगे क्या होगा वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 51,122 से ज़्यादा पद खाली हैं और निश्चित तौर पर सरकार पर अगर दबाव बनाया जा सकता है तो नई प्राइमरी शिक्षक वृद्धि का जो विज्ञापन है वो जल्द जारी होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में पद तो खाली हैं लेकिन अभ्यर्थियों की जो मांगें वो सरकार तक नहीं जा पाती जब छोटे छोटे धरना प्रदर्शन होते हैं। इससे पहले जब बड़ा धरना प्रदर्शन का आयोजन पिछली बार चुनाव से पहले हुआ था तो 17,000 पदों को लेकर अनाउंसमेंट भी की गई थी, लेकिन बाद में चुनावी आचार संहिता लगने के बाद इन भर्तियों के विज्ञापन जारी नहीं हो सके। अब एक बार फिर से कहीं ना कहीं BTC अभ्यर्थियों के माध्यम से दबाव बनाना शुरू कर दिया गया है सरकार के ऊपर। देखना ये होगा कि क्या BTC अभ्यर्थियों के सामने सरकार झुकती है या नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में जो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के पद तो खाली हैं और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर काम भी किया जा रहा है। अगर सारी चीज़ें सही तरीके से बैठती हैं तो निश्चित तौर पर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए रास्ते खुल सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर कि वो इस नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती पर क्या फैसला लेते हैं। क्योंकि जब जब उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री जी से पूछा जाता है कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर उनकी क्या योजना है तो उनके माध्यम से तमाम चले धरना प्रदर्शन तमाम अलग अलग मांगों के बावजूद भी वो आकर ऐसे बयान दे देते हैं कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर हमारा जो अनुपात समानुपात है बराबर है, लेकिन अब नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर एक बार फिर से बड़ा दबाव बनना शुरू हो गया है। अगर ऐसे ही दबाव बनता रहा तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी जल्द जारी हो सकता है, लेकिन अब देखना होगा कि सरकार झुकती है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक सवाल है BEd को लेकर भी, क्योंकि BEd करने वाले अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है। अब यहाँ पर जब प्राइमरी शिक्षक भर्ती से BEd करने वाले अभ्यर्थी बाहर हैं तो ऐसे में BEd को लेकर सरकार की क्या योजना होगी, इसको लेकर उन्होंने अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं किया है। अगर बात की जाए BEd वर्सेस BTC मामले को लेकर तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आज अभ्यर्थियों के माध्यम से कैंडल मार्च निकाला जा रहा है प्रयागराज के अंदर, जहां पर अभ्यर्थी ईशोसरण इंटर कॉलेज के सामने से अपने मार्च की स्टार्ट कर रहे हैं और लगातार ये मार्च अभी भी जारी है, जो BEd को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने के लिए, अध्यादेश के लिए, इसके अलावा और भी तमाम अलग अलग मांगों के लिए। फिलहाल ये थी दोस्तों अभी की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। फिल्म